हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अंबुजा सीमेंट की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। साथ में कंपनी की ओर से 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स। और गाइस, यहाँ पे जो एनुअल जनरल मीटिंग का जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है, इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 जुलाई 2023 का। और डिविडेंड जो कंपनी देगी, इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया 7 जुलाई 2023 का। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट्स पे, जो कि यहाँ पे करोड़ में नंबर्स दिए गए। इनकम है 8250 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 8023 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 7970 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 7118 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 7265 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 6813 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पर अगर एक्सपेंस देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण कंपनी में प्रॉफिट में तेजी आने का उम्मीद है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आने का उम्मीद है। जो कि यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है, ये मटेरियल कॉस्ट में, जो कि मटेरियल कंज्यूम होता है उसके कॉस्ट में, जो कि 1033 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आने का उम्मीद है। जो कि यहाँ पर अगर देखिएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1131 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 757 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 1177 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 763 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 487 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 856 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में प्रॉफिट तेजी है गाइस। यहाँ पर अगर देखिएगा तो नेट प्रॉफिट में तेजी आया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस, और नेट प्रॉफिट में तेजी आने का दूसरा है, देखिए पहला तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को खर्च हुआ है, जो कि देखे थे 147 करोड़ का, जिसके बाद कंपनी का जो है यहाँ पे मार्च 22 क्वार्टर में कुछ खर्च नहीं हुआ था, जिसके कारण कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट तेजी आया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है अगर देखिएगा तो कंपनी का प्रॉफिट में आने का सबसे बड़ा रीज़न है इसके टैक्स, क्योंकि 225 करोड़ का इस बार टैक्स पे करना पड़ा, जबकि पिछले मतलब मार्च 22 क्वार्टर से बहुत ही कम टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, बहुत कम पे करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी रिकवर हुआ, पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवर करती हुई नज़र आई है। अगर हम EPS की बात करें तो कंपनी का EPS है 3.08 रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से तो तेजी है, बट पिछले साल से यहाँ पे डाउन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है कंसोलिडेटेड में, एवरेज देखने को मिला। अगर हम लोग इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर सारे करोड़ में दिए गए। इनकम है 4430 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में है 4204 करोड़ का, मार्च 22 क्वार्टर में है 3958 करोड़ का इनकम। जो कि इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस है 3706 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 3679 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 3306 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कैसे देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आया है 502 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 368.9 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 494 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी का यहाँ पे EPS जो है 2.4 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर से तो तेजी है, पिछले साल से यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी एवरेज रिजल्ट दिया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।